हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तनता एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची के टॉप एमसीक्यू। ये चैप्टर आप जानते होंगे, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें पर्यायवाची एक से दो पूछे ही पूछे जाते हैं या इससे ज़्यादा भी पूछे जाते हैं। इसमें देखेंगे, इसमें वो पर्यायवाची लिए गए हैं जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस आप एक एक पर्यायवाची देखिएगा, उसके जितने भी पर्यायवाची बन सकते हैं वो सभी के सभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पूछा गया है अमृत का पर्यायवाची क्या है। अमृत का पर्यायवाची विष, सुधा, मधु या आम्र। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुधा। विष तो इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची क्या है? सुधा। अमृत के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं वो देखते हैं। अमृत के पर्यायवाची निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं? अमी, सुरभोग, देवान, शुभा, मधु, सुधा, जीवनोदक, सोम, देवाहार, अमी और पीयूष। ये सभी के सभी आपके अमृत के पर्यायवाची हैं, जिसमें कि आपको कौन सा ध्यान रखना है? पीयूष, अमी, सुधा, मधु और अमी। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिन पे मैं बोला कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ये पर्यायवाची हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं और इन नामों से रिपीट हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से पर्यायवाची आपके हैं। जो मेन आपके हैं अमी, मधु, सुधा और अमी और पीयूष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? रत्न गर्वा, हिरण्य गर्वा, बसुमती या शरणमयी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रत्न गर्वा। पृथ्वी को हम लोग रत्न गर्वा के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं चलिए वो देख लेते हैं। तो पृथ्वी के आप देख रहे हैं बहुत सारे हैं, आपको सभी नहीं याद करने हैं, जो मेन है वही याद करने हैं। ठीक है, लेकिन कितने हो सकते हैं वो सभी के सभी आपके लिए गए इसमें हैं। भूमि अचला भी बोलते हैं, अनंता, रसा भी बोलते हैं, विषम्भरा, स्त्रा, धरा। ठीक है, मैं साथ ही साथ गोल करता चलता हूँ। ठीक है, भूमि आपका सही है, धरित्री, ठीक है, धरणी, जया, कश्यपी, क्षिति, वसुमती, वसुधा, वसुंधरा, गोधरा, कु, पृथ्वी, अवनी, ठीक है, मेदिनी, मही, विपुला, गहरी, धात्री, गौ, इला, कुंभनी, भूधात्री, रत्नगर्वा। ठीक है, ये देखिए आगे आपका जगती, अंबरा। ठीक है, ये सभी के सभी आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो देख लीजिए कितने ही आपके, बहुत ज़्यादा आपको सभी नहीं पढ़ने हैं। भूमि वसुधा याद कर लीजिए, ठीक है, रत्नगर्वा हो गया, जगती हो गया, ठीक है, इला, अवनी, धरा, इस टाइप के आपको सभी पढ़ने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शत्रु का पर्यायवाची क्या है? शत्रु का पर्यायवाची शब्द सहचर होगा, अरि, मनुज या फिर शखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अरि। शत्रु का पर्यायवाची कौन सा है? अरि है। शत्रु के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं वो देख लीजिए। एक तो आपका दुश्मन है, ठीक है, नॉर्मल शब्द आपका है अरि। ठीक है, जो अभी ऑप्शन आपको दिया गया था, रिपु, विपक्षी, ठीक है, विपक्षी से हम लोग बोलते हैं, अमित्र, अराति और बैरी। ये सभी के सभी आपके शत्रु के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं खर का पर्यायवाची शब्द है खर, रावण, कुंठित, गधा या फिर मूर्ख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा सी ऑप्शन आपका, गधा। खर का जो पर्यायवाची बेटा है वो क्या है? गधा। गधा के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं अभी हम लोग देखते हैं। गधा का आपका देखिए खर है, खर, वैशाख नंदन, गर्दभ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राशभ, लंबकड़ और दूसर। ये सभी के सभी आपको गधा के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? लंबकण, राशभ, गर्दभ, वैशाख नंदन, खर और धूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत का पर्यायवाची शब्द है अनंत का, निस्सीम, भगवान, शेषनाग या फिर बंधन। तो अनंत का जो पर्यायवाची है वो है आपका निस्सीम, ठीक है, जिसका कोई अंत ही ना हो, अनंत बोलते हैं उसे। अनंत के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? अपार एक तो है, एक अनंत है आपका है, एक असीम है, ठीक है, निस्सीम जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, असीम भी, बेहद, ठीक है, और बेशुमार। बेशुमार नहीं बोलते, बेशुमार सौरत है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड वर्ड है अनंत, मतलब इतनी है कि जिसे जिसका कोई अंत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल का पर्यायवाची शब्द है क्या? चक्रवात, पावस, पवन या फिर अनल। तो अनिल आपने, ये तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अनिल का क्या होगा? हो जाएगा बेटा पवन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक होता है अनिल, एक होता है अनल, ठीक है, अनिल हो जाता है बेटा अग्नि का,
और अनिल आ जाए तो वायु पवन इन सभी का होता है। अनिल के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं देखते हैं, पवन, वायु, समीर, हवा। समीर तो बहुत, ये भी बहुत पूछा गया, वायु पवन ये सब बहुत रिपीटेड है। हवा, बात, मरुत, पवमान, बयार भी बोलते हैं इसको हम लोग अनिल को, प्रकंपन और शमी। आपको हो सकता है कुछ नए वर्ड लग रहे हों क्योंकि सभी के सभी आपको उठाने की कोशिश की गई है इसमें से, ठीक है। और इसमें से बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, अहि, हिरण या फिर कुरंग। मृगेंद्र का आपसे पूछा गया तो मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है बेटा शार्दुल, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। मृगेंद्र के और कौन से पर्यायवाची हैं तो आपका सिंह है, शेर है, वनराज, शार्दुल, मृगराज, ठीक है। मतलब शेर को ही आपको मृगेंद्र भी बोलते हैं, ठीक है, शार्दुल भी बोलते हैं, वनराज भी बोलते हैं, ठीक है, जो पूरे वन पे राज करता है। पंचमुख, ठीक है, केसरी, केहरी, केशी और महावीर इन सभी, और व्याघ्र, ठीक है, इन सभी नामों से मृगेंद्र को जानते हैं। मृगेंद्र क्या होता है, शेर, ठीक है। नेक्स्ट है अरविंद, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द है अरच निवासी, अरबी, कमल या फिर भ्रमर, ठीक है। तो जो अरविंद होता है, ठीक है, अरविंद का पर्यायवाची क्या होगा, कमल हो जाएगा, अरविंद का कमल। अरविंद के और कौन कौन से हो सकते हैं चलिए वो देखते हैं। अरविंद के पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सभी, कौन कौन से हैं, पंकज आपका है, नीरस है, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, अरविंद हो गया, इंदिवर हो गया, ठीक है, उत्पल, कंज, कंबल, किंजल्क, कोकनद, जलजात, ताम्रश, नलिन, पद्म, पाथोज, पुंडरीक, पुष्कर, राजीव, बनज, वारिज, सतदल, सतपत्र, सरसिज और सरोरू। ये सभी के सभी आपके क्या हैं, ये आपके कमल के आपके पर्यायवाची हैं, ठीक है, पंकज, नीरज, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन्य का पर्यायवाची क्या होगा, खीर होगा, पेय होगा, कौंद होगा या फिर दूध होगा। स्तन का पर्यायवाची क्या होगा, इसका हो जाएगा बेटा पेय, ठीक है, आपका बिल्कुल सही है। दुग्ध, गौरस, क्षीर, दोहज, पेय, पीयूष, स्तन्य, ठीक है। यहाँ पे आप ये पेय लिख दिया, पेय होता है, ठीक है, क्या होता है, पेय होता है। तो इसके सभी स्तन्य के जो है, दुग्ध होता है, गौरस, क्षीर, दोहज, पेय, पीयूष और स्तन्य, ये सभी के सभी स्तन्य के ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाह्नवी का पर्यायवाची कौन सा है, संसार, जानने वाली, सुरसरी या जहन्नुम, ठीक है। आपका जाह्नवी का क्या होना, क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा सी ऑप्शन, सुरसरी। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द होता है सुरसरी। जाह्नवी के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं चलिए देखते हैं। जाह्नवी गंगा को बोलते हैं, ठीक है, देव नदी भी जानते हैं इसको हम, मंदाकिनी, ठीक है, भागीरथी, गंगा को ही, गंगा का कई बार पूछा गया गंगा का, उसमें आपको भागीरथी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, सुरसरिता, देव नदी, सुरसरी, ठीक है, अमर तरंगिनी, विष्णुपदी, नदीश्वरी, त्रिपथगा। गर्भ का पर्यायवाची शब्द है तिरस्कार, अहंकार, गर्व या स्वाभिमान, ठीक है। तो इसका जो दर्प का जो होता है वो होता है अहंकार, अहंकार बिल्कुल सही आंसर इसका है। दर्प के और कौन कौन से हो सकते हैं, दंभ, घमंड, गर्व, गरूर, गुमान, अभिमान और अहंकार, ये सभी के सभी दर्प के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेना का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, अनिक होगा, सैनिक होगा, अरि होगा या फिर अतनु होगा। तो सेना का आपसे पूछा गया है, सेना का क्या हो जाएगा, अनीक होता है, ध्यान रखिएगा ये आपके लिए नया हो सकता है। सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, अनीक है, ठीक है, पूछा भी गया है सेना का, देखिए अनीक, लश्कर, कटक, कुमक, चतुरंगनी, ठीक है, चतुरंगी सेना होती थी, बाहिनी, चमू और दल, ठीक है, दल होता है उसे भी हम लोग सेना ही बोलते हैं एक तरीके से। तो ये सभी आपके कौन से, चतुरंगनी, दल और वाहिनी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रशून का पर्यायवाची शब्द क्या है, वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा, अग्नि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा पुष्प, प्रशून से पर्यायवाची है पुष्प का। तो कौन कौन से हैं, फूल, सुमन, कुसुम और प्रशून, ये सभी के सभी आपके
फूल या फिर कहें पुष्प के पर्यायवाची हैं, कौन से, कुसुम, प्रसून, सुमन, ये सभी इंपॉर्टेंट है, चार आपके दिए गए इसमें है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, अमृत, सुधा, पीयूष या फिर रसाल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, रसाल। रसाल किसका होता है, आम का होता है। ये सभी के सभी जो हैं अमृत, सुधा, पीयूष, ये सभी अमी के ही पर्यायवाची हैं। अमी के कौन कौन से हो सकते हैं, पीयूष, सोम, अमी, जीवनोदक, अमृत और सुधा, ये सभी के सभी आपके अमी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है विभावरी का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, चंद्रिका, तपसा, छणदा या तरड़ी, तो इनमें कौन सा होगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, छणदा। विभावरी का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका है छणदा। विभावरी के और कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपका रात्रि, निशा, छया, रैन, रात, यामिनी, रजनी, त्रियामा, त्रियामा याद रखिएगा, ठीक है, जैसे निशा हो गया, रात्रि हो गया, ठीक है, रैन हो गया, रैन बसेरा, ठीक है, रात तो जानते ही है, यामिनी, रजनी, एक सर्वरी आपको याद रखना है, ठीक है, छणदा आपको ऑप्शन में ही दिया है, तमश्विनी, ठीक है, ये सभी के सभी आपके व्यावरी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरणी का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, तरणी का है, सूर्य होगा, नाम होगा, युवती होगा या फिर नदी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे कोई नहीं है, नाम की जगह पे बेटा आप कर दीजिए नाव, ठीक है, तरणी का पर्यायवाची जो होगा वो होगा नाव। इसके देख लेते हैं कौन कौन से पर्यायवाची है, नाव, नया, नौका, जलयानी बोलते हैं, तारिणी, पोत, ठीक है, बेड़ा, नौका, गाद, स्थल और जलवाहन, ये सभी के सभी आपके तरणी के पर्यायवाची हैं। तो आपका जो नाव होता है मेन शब्द है, नाव का भी पूछा जा सकता है आपसे, जो कि होता है तरणी पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिनकर का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर या फिर विवाकर, कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दिनकर का प्रभाकर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कौन कौन से हो सकते हैं दिनकर का, अंशुमान, सूरज, सूर्य भी बोलते हैं, रवि, दिवाकर, प्रभाकर और भास्कर, ठीक है, ये सभी के सभी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन कौन से, प्रभाकर, भास्कर, दिवाकर, ठीक है, ये बहुत रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा। आंख का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, मतलब तीन ऑप्शन आपके सही है, एक आपका गलत है, तो कौन सा गलत है, चक्षु, लोचन, अच्छी या फिर दृष्टि। तो जो डी ऑप्शन आपका है ये गलत है, आपका चक्षु भी सही है, लोचन भी सही है और आपका अच्छी भी सही है। और कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए आँख के पर्यायवाची, नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अच्छी, नजर, अच्छ और चश्मा, ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, अच्छ और अच्छी, ठीक है, ये दोनों होते हैं, चक्षु भी ध्यान रखिएगा, ये आँख के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें से, सलिल नहीं है, वायु, अनिल या फिर समीर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो समीर आपका नहीं होगा। पवन, हवा के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं, पवन, वायु, समीर, अनिल, बात, मरुत, पवमान, बयार, प्रकंपन, शमी, प्रवंजन, समीरण, आबहवा, वातावरण, प्रवात, चलन, मारुत, बाति, व्याप्ति, तान, प्राणवायु, इसका राइट आंसर देख लीजिए कौन सा है, वायु, अनिल आपका सही है, ये ऑप्शन आपका सही है, समीर भी सही है, अनिल भी सही है, वायु, तो सलील आप काट दीजिए, ठीक है, ये ऑप्शन इसका नहीं होगा, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव का पर्यायवाची शब्द है पिनाकी, लंबोदर, पिपाशु या फिर पिनाक, शिव जी का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, पिनाकी। लंबोदर आप जानते हैं गणेश जी को बोलते हैं, ठीक है। शिव जी के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं, शंभु, ठीक है, ईश, शंकर, शिव जी, चंद्रशेखर, महेश्वर, महादेव, भव, भूतेश, गिरीश, हर और त्रिलोचन, ये सभी के सभी आपके शिव के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, क्या होगा नियति का, क्या होगा नियति, चरित्र होगा, स्वभाव होगा, कर्म होगा या फिर भाग्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा नियति का पर्यायवाची जो होगा समानार्थी शब्द होगा वो हो जाएगा भाग्य आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भाग्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियति के और देख लेते हैं पर्यायवाची कौन कौन से हैं, एक तो भाग्य, किस्मति, होनी और विधि, ये सभी के सभी आपके नियति के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धाता का पर्यायवाची शब्द है विष्णु,
धाय, पच या फिर हार, धाता। तो धाता का जो आंसर होगा बेटा वो जाएगा आपका विष्णु जी, धाता विधाता जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो विष्णु बिल्कुल राइट आंसर है। धाता के कौन से पर्यायवाची हैं? गरुड़ ध्वज, विष्णु, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, विशंभर, मुकुंद, नारायण, हषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभु और विश्वरूप। ये सभी के सभी आपके धाता के पर्यायवाची हैं, मतलब मेन जो आपका वर्ड है वो विष्णु जी हैं। विष्णु का भी पूछा गया है कि कौन सा पर्यायवाची, तो धाता आपका सही सही था ऑप्शन, ठीक है। तो गरुड़ ध्वज है, अच्युत, ठीक है, ध्यान रखिए अच्युत, और आपको चक्रपाणि ध्यान रखना है, ठीक है, मुकुंद, गोविंद, ये सभी के सभी विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु का पर्यायवाची शब्द है क्या होगा? तनु का पर्यायवाची शरीर, झील, चंद्रमा या फिर खटिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा शरीर। तनु का जो पर्यायवाची शब्द है वो जाएगा शरीर। और कौन से हो जाएंगे? दुबला, पतला, अल्प, थोड़ा, कम, देह, शरीर, तन। ये सभी के सभी, ये कम भी होता है, तनु का मतलब कम भी होता है और शरीर भी पर्यायवाची होता है। देखते हैं अब हम पावक के पर्यायवाची कौन से हैं, अंगारा, हुताशन, लपट या फिर ज्वाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हुताशन। पावक का जो पर्यायवाची है वो है यहाँ पे बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। पावक के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं देखते चलिए। दहन होगा, ज्वलन होगा, धूमकेतु होगा, प्रशानु होगा, हुताशन होगा, वैश्वानर होगा, सूची, ज्वाला, आग, अग्नि और अनल, ठीक है। देखते हैं, ज्वाला भी आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है और ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण का पर्यायवाची शब्द है प्रभा, रवि, हिमांशु या फिर दिनकर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभा। किरण का पर्यायवाची शब्द है प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रभा, अर्ची, रश्मि, मयूक, कर, ज्योति, दीप्ति, किरण, अंशु, गौ, मरीच आदि, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपके पर्यायवाची हैं किसके, किरण के। प्रभा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रश्मि याद रखना आपको है, ज्योति, ठीक है, और किरण, किरण तो मतलब दिया ही गया है, ठीक है, और मरीज, ठीक है। ये आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची बन सकते हैं वो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। धरती का पर्यायवाची शब्द है कौन सा है, चंचला, विपुला, शरसी या फिर अचला। धरती का पर्यायवाची कौन सा है, तो देखिए आप लोग क्या इसका कौन सा सही होगा। तो डी ऑप्शन जो है अचला, अचला इसका बिल्कुल सही आंसर है। धरती का पर्यायवाची शब्द पूछा गया यहाँ पे। धरती का और कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत ही नंबर आप पर्यायवाची बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं। भूमि धरती का ही पर्यायवाची है, अचला, अनंता, रसा, विशंभरा, स्थिर और धरा, धरित्री, धरणी, जया, कश्यप, वसुमती, वसुधा, वसुंधरा, ठीक है, गोधरा, कुह, पृथ्वी, अवनी। यह हम लोग अभी पृथ्वी के जो पढ़ चुके हैं, ठीक है, मेदिनी, मही, विपुला, गहरी, धात्री, कुंभनी, ठीक है, भूधात्री, रत्नगर्भा और जगति अंबरा। ये सभी के सभी आपके धरती के पर्यायवाची हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन में ये सब दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनायक का पर्यायवाची शब्द है, विनायक का क्या होगा, सुर होगा, पुत्र होगा, शत्रु होगा या फिर गणेश होगा। तो विनायक जी आप जानते ही हैं, गणेश जी को बोलते हैं विनायक, ठीक है। तो विनायक पर्यायवाची कौन सा है, विनायक, गणेश जी। और देखते हैं विनायक के कौन से पर्यायवाची हैं, गणेश जी का मतलब कौन से पर्यायवाची हैं। तो आपका गणेश जी, विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषक बहन, ठीक है, मूषक पे मूषक इनका बहन था, गजवंदन, विघ्रनाशक, भवानीनंदन, विग्रराज, मोदकप्री, मोददाता, गणपति, गणनायक, शंकर सुवन, लंबोदर, महाकाय और एकदंत, ठीक है। ये विनायक के पर्यायवाची सभी के सभी हैं। तो जो विनायक आपको जो यहाँ पे खुद भी दिया हुआ विनायक है, गणेश, मूषक बहन, ठीक है, गणपति, लंबोदर, मोस्ट रिपीटेड, ठीक है, एकदंत, मतलब सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ईश्वर, कृष्ण, कामदेव और बसंत, ठीक है। अतनु का पर्यायवाची जो होगा वो जाएगा कामदेव। कामदेव बिल्कुल सही आंसर है। अतनु के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं, एक तो आपका कामदेव है, अनंग, मनोज और मदन, ठीक है, मनोज और मदन ध्यान रखिएगा। रतिपति भी बोलते हैं, रतिपति, एक और ध्यान रखिएगा, रतिपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण का पर्यायवाची शब्द क्या है,
पुष्प होगा, भीप होगा, बन होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो कानन का जो पर्यायवाची बेटा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बन। कानन किसको बोलते हैं? बन को बोलते हैं। कानन के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं चलिए देखते हैं। बन होता है मकान, जंगल, निवास स्थान, ठीक है, घर भी बोलते हैं कानन को। वन अरण्य, शहरा अरण्य, ध्यान रखिएगा, जंगल अरण्य बन, ये जंगल, ठीक है, ये रिपीट हुए हैं बार बार, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? अरण्य ध्यान रखना है, जंगल ध्यान रखना है, ठीक है, और वन। भारत का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल होगा, चंद्रमा होगा, बिजली होगा, या फिर बादल होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बादल। भारत का पर्यायवाची शब्द है बादल। और कौन से पर्यायवाची बन सकते हैं भारत के? बादल, जलदायी, मेघ, नागरमुथा, मेघ, बादल और बनाधर, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, पयोवत भी होता है, पयोवत भी होता है, पयोधर भी होता है, पयोधर भी होता है, ठीक है, तो आप बहुत ध्यान रखना। भुजंग का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? केंचुआ, गिरगिट, सर्प या फिर तोता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्प। जो भुजंग का पर्यायवाची है वो है सर्प। भुजंग के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? सर्प, सांप, फड़धर, फड़ीश, विषधर, काकोधर, व्याल, नाग, अहि, शारंग और उरग, ठीक है, ये सभी के सभी ये भुजंग के पर्यायवाची हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शिखी, शायक, मत्स्य या फिर विभावरी, ठीक है। तो ये जो राइट आंसर इसका हो जाएगा, मीन क्या होता है? मत्स्य होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मीन के और कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, मछली, मछली को क्या बोलते हैं? मत्स्य बोलते हैं। मीन, ठीक है, मत्स्य, झक, झस, जलजीवन, सफरी और मकर। सफरी ध्यान रखिएगा, ठीक है, मछली का क्या होगा? सफरी। सरवरी एक मैंने बताया था वो क्या होता है? रात्रि का होता है। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है क्या? वर्षा, नीरद, बादल या फिर विद्युत। दामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है, दामिनी का। तो ध्यान रखिएगा, जो विद्युत होता है उसी को हम लोग दामिनी बोलते हैं। दामिनी विद्युत का ही पर्यायवाची है। दामिनी के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? बिजली, तड़ित, विद्युत, चंचला, चपला, इंद्र, वज्र, अश्नी और क्षण प्रवाह। इसे देख लीजिए, बिजली, तड़ित, विद्युत, चंचला, चपला, इंद्र, वज्र और अश्नि, क्षण प्रवाह, ये सभी के सभी आपके दामिनी के पर्यायवाची हैं। सारंग का पर्यायवाची क्या होगा? सारंग का, ठीक है, नमक, सारथी, मोर या फिर घोड़ा, ठीक है। तो जो सारंग होता है आपका घोड़ा का भी होता है और मोर का भी होता है। सारंग मतलब आपके कई सारे देखने को मिलेंगे आपको। सारंग के और सारे पर्यायवाची देखते हैं कौन कौन से बन सकते हैं। अश्व होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, घोड़ा भी होता है, सर्प भी होता है, सांप, मोर, मयूर, कपूर, चंद्र, चंद्रमा, चंद्रमा का भी होता है सारंग, और कबूतर का भी होता है सारंग। ध्यान रखिएगा, सारंग कितना ही कितना कन्फ्यूजन वर्ड है, ठीक है। तो इन सभी के घोड़ा का भी होगा, सर्प का भी होगा, मोर का भी होगा और कबूतर का भी होगा, चंद्रमा का भी होगा। इन सभी के आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। आपको कोई भी ऑप्शन पेपर में दिया जा सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केतु का पर्यायवाची शब्द है झंडा, आचार्य, किरण या फिर दिशा। तो जो केतु का पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा झंडा। केतु के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? एक तो होता है आपका निशान, झंडा अभी बताया मैंने आपको, पताका, ध्वजा और ध्वज, ये सभी के सभी आपके केतु के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है? पानी, पुत्र, बंदर या फिर मित्र। ध्यान रखिएगा, ये होता है बंदर का पर्यायवाची, कौन? मरकट, ठीक है। मरकट के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं देखते हैं। मरकट का होता है कपीस, बानर, बंदर, कीश, शाखामृग, हरि और कपि, ये सभी के सभी होते हैं आपके मरकट के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभवी का पर्यायवाची शब्द है दुर्गा, दाशी, पत्नी, पार्वती। दुर्गा, दाशी, पत्नी, पार्वती, तो सांभवी का जो होगा वो हो जाएगा दुर्गा, ठीक है, ये आपसे बिल्कुल सही है। और कौन से पर्यायवाची होंगे देखिए, सांभवी का पर्यायवाची चामुंडा, चामुंडेश्वरी, चामुंडा, ठीक है, जगदम्बा, जगदम्बिका, जगदम्बिका, ठीक है, जगन माता, जगमोहिनी, जया, त्रिदर्शेश्वरी, त्रिनैना, त्रिभुवन सुंदरी, त्रिभुवन सुंदरी, बार बार रिपीट हुए हैं कुछ हैं, त्वाष्टी और दुर्गा, ये सभी के सभी आपके सामवी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। कुछ मेष का पर्यायवाची क्या होगा? कबूतर होगा, काला होगा, कामदेव होगा या फिर आकाश होगा। ध्यान रखिएगा, जो कुशमेष है वो कामदेव का आपका पर्यायवाची है। और कौन कौन से बन सकते हैं? विश्व केतु, कामदेव, मकर केतु, मकर ध्वज, मदन,
मनोज, और क्या हो जाएगा, मन हो जाएगा मनमत, ठीक है, क्या हो जाएगा मनमत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अनंग, अनंग ध्यान रखिएगा, अनंग भी कामदेव का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा, अच्छा ये भी बताना पड़ेगा बेटा, दिवाकर, निशि, मार्तंड या फिर शशि। तो जो चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शशि, भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चंद्रमा के और कौन से पर्यायवाची हैं, सुधाधर, शशि, सोम, कुमुदबंधु, चंद्र, इंदु, सुधांशु, मयंक, मृगांक और तमोहर, ठीक है, क्या हो जाएगा। सुधांशु आप ध्यान रखिएगा, एक आपको मयंक ध्यान रखना है, शशि ध्यान रखना है, ठीक है, इंदु ध्यान रखना है, ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। गणेश जी का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा, नरेश होगा, सुरेश होगा, गजानन होगा या फिर दिनेश होगा। तो गणेश जी का यहाँ पे पूछा गया, गणेश जी का हो जाएगा गजानन, ठीक है। गणेश के और कौन कौन से हो सकते हैं पर्यायवाची, तो देखिए एक तो विनायक होता है, लंबोदर होता है, गौरी नंदन होता है, गणपति होता है, गजानन, महाकाय, एक दंत, मोदक दाता, ठीक है, पार्वती नंदन, गणाधिप, विघ्नेश, विघ्नेश्वर, वक्रतुंड, सिद्धि विनायक और मंगल मूर्ति, ये सभी के सभी आपके गणेश जी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दांत का पर्यायवाची नहीं है, दाढ़ी, दंत, दशन या फिर रदन। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दशन भी आपका है, रदन, दाढ़ी, ये ऑप्शन आपके कौन कौन से हैं, दंत है, मुखदूर है, दर है, रदन है और द्विज है और दशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, अश्व, घोटक है और कटक। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ध्यान, अश्व तो होता ही है, ठीक है, घोटक भी होता है, ठीक है, आपका कौन सा है, कटक, ठीक है, तो है आपका नहीं होना चाहिए, देखते हैं, अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी, शैंधव और है, ठीक है, ये आपके सभी के सभी आपके घोड़े के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तार, बाण, शर और नाराज। तो तीर का इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द आपका है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाण, तीर का क्या होगा, बाण हो जाएगा। और कौन से होंगे, आशुभ होगा, इशु होगा, नाराज होगा, शर होगा, शायक होगा, शायक होगा, शिलीमुख, बाण, शर, बाण, ये रिपीटेड है, विशिक और अनि। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, पर्वत, भूदर, शैवाल या फिर नग। तो इसका जो पर्यायवाची नहीं होगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, शैवाल, शैवाल आपका पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। पहाड़ के और कौन से हो सकते हैं, तो आपका होगा पर्वत, महीधर, शिखर, धरणीधर, गिरी, शैल, अचल, नग, भूधर, नगपति, अद्री, तुंग, मेरु, धराधर, गिरिराज, भूमिधर और भूव्रत, ये सभी के सभी आपके पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा, पर्वत आप ध्यान रखना, शिखर हो गया, ठीक है, गिरी, शैल, शैवाल नहीं होता यहाँ पे, शैल लिखा हुआ है, ठीक है, अचल बिल्कुल सही है, पहाड़ का ही होता है, नग भी सही है, ठीक है, नगपति, आदि, तुंग, मेरु, भूमिधर ध्यान रखिएगा, गिरिराज ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं। दिन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, दिवस नहीं है, दिन नहीं है, बार नहीं है या फिर बाशर नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो दिन है वो दिन का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है, देखते हैं, दिवस आपका सही है, दिवस सही है, बाशर सही है, गस्त्र सही है, अहन, तिथि, दिन का समय, याम, बार, काल, विजय, रोज और प्रमाण, ये सभी के सभी दिन के हैं पर्यायवाची आपके। नेक्स्ट है कंचन का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, हीरा, कनक, तांबा या फिर चांदी। कंचन होता है बेटा सोना, ठीक है, सोने का पर्यायवाची होता है कनक, कनक, कनक का सौगुनी, आपने कई बार सुना होगा। इसके और कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं, कनक, हेम, कुंदन, तपनी, महारजत, सोना और स्वर्ण, ये सभी के सभी आपके पर्यायवाची कंचन के हैं, ठीक है, कनक, सोना ही मोस्टली वर्ड पूछा गया है, तो पूछ कुछ भी सकता है आपका, कोई भी अगर पर्यायवाची है तो उसमें से कोई भी वर्ड पूछ के आपका मेन वर्ड पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। केदार का पर्यायवाची है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महेश, ठीक है, केदारनाथ आपने सुना ही होगा। और कौन कौन से हो सकते हैं, गंगाधर, रुद्र, विश्वनाथ, भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, चंद्रशेखर, गिरीश, पशुपति, गौरीनाथ, शिवजी, महेश, महादेव और नीलकंठ, ये सभी के सभी आपके हैं केदारनाथ के, केदार जी के
पर्यायवाची, ठीक है, तो भोलेनाथ ध्यान रखना, पशुपति ध्यान रखना, ठीक है, चंद्रशेखर, शिवजी, महेश, ठीक है, महेश आपका पर्यायवाची दिया हुआ था आंसर जो था, गौरीनाथ बिल्कुल सही है, गंगाधर, त्रिलोचन, ठीक है, ये तीन आंखें। भवन का पर्यायवाची कौन सा है, मंदिर, धाम, महल या फिर घर, ठीक है, तो भवन का पर्यायवाची शब्द है घर, ठीक है, वैसे घर तो सही है, महल हो सकता है, धाम भी हो सकता है, लेकिन मंदिर में ही धाम होता है, देख लेते हैं, घर, गृह, सदन, मकान, मंदिर, धाम, निकेतन, निकेत, आवास, अगार, आलय, ठीक है, तो इसमें जो आपके पूछा गया होगा क्वेश्चन कौन सा नहीं है, तो महल आपका नहीं होगा, बाकी आपका धाम, मंदिर, ये सब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है बाजीगर, राजराज, मधवा या फिर विनायक, तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा जो मधवा है वो आपका इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र के और कौन कौन से हो सकते हैं, अमरपति, ठीक है, देवपति, सुरपति, ये तीनों ध्यान रखना है, अमरपति, देवपति और सुरपति। फिर आपको ध्यान रखना है अमरनाथ, ठीक है, और देवेश, देवेंद्र, मधवा और मेघराज और ब्रजधर, ये सभी के सभी आपके क्या आते हैं, जो आते हैं इंद्र के पर्यायवाची। नेक्स्ट देखते हैं भागीरथी, देखिए भागीरथी आ गया है, भागीरथी किसका पर्यायवाची शब्द है, सरिता, गंगा, यमुना या निर्झरणी, तो ध्यान रखिएगा गंगा का पर्यायवाची क्या है, भागीरथी, या भागीरथी का पर्यायवाची क्या है, गंगा। भागीरथी के और कौन कौन से हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, सुरसरी, त्रिपथगा, ठीक है, जाह्नवी, सुरसरिता, सुरधुनी, गंगा, देवनदी या फिर मंदाकिनी, ये सभी के सभी आपके हैं भागीरथी के पर्यायवाची। रक्त का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है, खून, रुधिर, शोणित, काशरी, ठीक है, रक्त का पर्यायवाची नहीं है, तो खून तो होता है, रुधिर भी होता है, ठीक है, आपको देखना है शोणित होगा या फिर काशरी होगा, तो मेन आपका जो है यही पे है, तो शोणित बिल्कुल होता है, ये भी राइट आंसर है, काशर नहीं होगा, ठीक है, तो पर्यायवाची कौन सा नहीं है, काशर नहीं है। रक्त के और कौन से होते हैं, खून होता है, लहू लुहान सुना होगा आपने, रुधिर, शोणित और लोहित, ठीक है, ये सभी के सभी आपके रक्त के पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, शारदा, कमला, वाणी या बानी पानी, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका कमला, कमला होता है लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी का होता है कमला, ठीक है, शारदा, वाणी, बानी पानी, ये सभी के सभी आपके सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। कौन सा, भारती, बीणा पाड़ी, बागेश्वरी, शारदा, बागदेवी, महाश्वेता, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, बागेश्वरी, ये क्या है, ये आपके सरस्वती के पर्यायवाची हैं। शारदा ध्यान रखिएगा, बागेश्वरी, हंसवाहिनी, ठीक है, महाश्वेता मोस्ट रिपीटेड पर्यायवाची है ये। नेक्स्ट देखते हैं आकाश शब्द का पर्यायवाची है दृग, विप्र, व्योम या इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखिएगा व्योम होता है आकाश का पर्यायवाची। आकाश के और कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं, अनंत, अभ्रम, पुष्कर, शून्य, शून्य भी बोलते हैं, ठीक है, शून्य भी बोलते हैं किसको, आकाश को, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, दिव, खगोल, गगन और अंबर, ये सभी के सभी क्या है, आकाश के पर्यायवाची हैं। आडंबर का पर्यायवाची क्या होगा, ढोंग, तंबू, दर्प या फिर आवाज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ढोंग, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, आडंबर। और कौन से हैं, पाखंड है, ढकोशला है, ढोंग है, प्रपंच है और दिखावा, ये सभी के सभी क्या हैं, आपके हैं आडंबर के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट देखते हैं कपाल का समानार्थी शब्द क्या है, अदृष्ट, खप्पर, भाग्य या फिर माथा, तो कपाल का कौन सा बेटा है, कपाल का हो जाता आपका है माथा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कपाल का समानार्थी शब्द क्या है, डी ऑप्शन माथा बिल्कुल सही है, कपाल, ठीक है, खोपड़ी बोलते हैं, करपर भी बोलते हैं, माथा भी बोलते हैं, सिर, खोपड़ी, मूड़, मस्तक, ढाल, ललाट या फिर किनार, ध्यान रखना आपको है खोपड़ी, ठीक है, ये सभी करपर आपको पता होना चाहिए, मस्तक होता है, ठीक है, कपाल, भारती वो अलग होता है। छंद का समानार्थी क्या होगा, आवरण, पद, बंधन या फिर आचरण, ध्यान रखिएगा पद नहीं होता है, पद्य होता है बेटा, तो छंद का हो जाएगा समानार्थी पद्य। कौन कौन से हैं, शायरी, काव्य, कविता, पद्य, ये सभी हैं आपके छंद के पर्यायवाची। नेक्स्ट देखते हैं नागर पर्यायवाची कौन सा है, नगर, ढोल, चतुर, ग्रामवासी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा चतुर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नागर का पर्यायवाची क्या है, चतुर है। और कौन से बन सकते हैं, तो आपका नगर का पर्यायवाची होता है विज्ञ, चतुर आपके ऑप्शन में ही दिया था, निपुण होता है, पटु होता है, कुशल होता है, दक्ष होता है, प्रवीण होता है और योग्य होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चतुर, कुशल, दक्ष, ठीक है, योग्य।
नेक्स्ट देखते हैं अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है, पंख होता है, आतंक होता है, तिमिर होता है या फिर घन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तिमिर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंधकार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा। अंधकार मतलब तम, तिमिर, तमेश अंधेरा, तमश और अंधियारा, ये सभी के सभी आपका क्या है, अंधकार के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है निधन का पर्यायवाची क्या होगा, देवावशान, देहवशान, देहांतर और आमरण। तो किसका निधन का पर्यायवाची क्या होगा, तो निधन जानते हैं आप, देवावशान, देवावशान बोलें या फिर देवावशान बोलें, ठीक है देवावशान, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। देहावशान होता है वैसे बेटा, जहां तक मुझे लग रहा है देहावशान, ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन काट दीजिए इसको, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, आमरेट भी गलत है। निधन का पर्यायवाची क्या होगा, देहावशान, ठीक है। देखते हैं कौन से और पर्यायवाची हैं इसके, निधन का पर्यायवाची क्या है, मृत्यु होता है, देहांत होता है, मौत होता है, अंत होता है, सर्वास होता है और देहावशान होता है। देखिए देहावशान आपका दिया हुआ यहाँ पे, देहावशान नाव के देहावशान है, पंचतत्व, इंकताल, काशीवास, गंगा लाभ और निर्वाण, ये सभी के सभी आपके क्या है, निधन के पर्यायवाची है, ठीक है। और कौन सा देखते हैं, अलंकेश का पर्यायवाची क्या होगा, बादल का, अलकल पर्वच, कुबेर या फिर चपला का। तो ध्यान रखने वाली बात है, आपको ध्यान रखिएगा, तो कुबेर का जो अलंकेश होता है कुबेर का होता है, ठीक है। अलंकेश पर्यायवाची किसका है, कुबेर का है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कौन से है, तो कुबेर का अलंकेश का कुबेर ही आपका दिया गया यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अमृत फल, आम्र, प्रशाल या फिर पिक, इसका क्या हो जाएगा बेटा, जो पिक होता है वो नहीं होता आपका आम का पर्यायवाची, रसाल सही है, आम्र सही है, अमृत फल सही है। और कौन से हो सकते हैं, आम के पर्यायवाची अम्ब होता है, अमृत फल होता है, अति शौरव होता है, अमृत फल, ठीक है, बार बार रिपीट हुआ है, शाहूकार, कामशर और पिकबंधु, रसाल, आम्र, सौरभ, मादक, सहकार, फलश्रेष्ठ, मामूली, साधारण, सामान्य, ये सभी के सभी क्या हैं, आम के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपम का पर्यायवाची शब्द होगा, स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या फिर अद्वितीय, अनुपम पूछा गया है, तो अनुपम होता है बेटा अद्वितीय, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनुपम का क्या मतलब होता है, अद्वितीय, ऐसा कोई दूसरा ना हो। अनुपम के और कौन से हो सकते हैं, अद्वितीय होता है, अप्रतिम होता है, उपमा रहित होता है, निरुपम होता है, अद्भुत भी होता है, अतुलनीय, ठीक है, जिसकी कोई तुलना ना की जा सकते, क्योंकि वो है क्या, एक यूनिक ही तो है अनुपम, अनुपमी, अनूठा, अनोखा भी होता है, अपूर्व, बेजोड़ और लाजवाब, ये सभी के सभी क्या है, अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पवनसुत, अंजनी पुत्र, मारुति या फिर विनायक, इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा विनायक नहीं है। विनायक किसका होता है, गणेश जी का होता है। हनुमान के कौन से हैं, बाकी सभी हैं, कौन कौन से, पवनसुत हो गया, अंजनी पुत्र हो गया, मारुति हो गया, ठीक है। देख लेते हैं कौन से, मारुति, पवनसुत, अंजनी कुमार, ठीक है, महावीर, विक्रम, बजरंग बली, बजरंगी और कपिकेशरी, ये सभी के सभी क्या है, हनुमान जी के हैं, आपके हैं पर्यायवाची। इसमें महावीर ध्यान रखिएगा, ठीक है, और आपको ध्यान रखना है पवनसुत। तो ये जो मोस्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे लिए गए सभी के सभी पर्यायवाची। तो दोस्तों आपने देखा एक एक पर्यायवाची के कितने कितने हमने आपके पर्यायवाची पढ़े, ठीक है। देखिएगा आप जो भी हिंदी का एग्जाम देते हैं उसमें पर्यायवाची पूछे ही पूछे जाते हैं, और इतने मैंने लिए पर्यायवाची, अगर इनको आप बार बार याद कर लेते हैं, लिख लें, ठीक है, या फिर बार बार वीडियो देखिए, तो आप इन सभी को याद करने के बाद पेपर में जाएंगे, देखेंगे एक भी क्वेश्चन आपका पर्यायवाची से गलत नहीं होगा। तो वीडियो को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।